राजस्थान के कोटा से। कोटा के रंगबाड़ी क्षेत्र में एक कार में जंगली छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। करीब 2 से 3 फीट लंबी जंगली छिपकली मॉनिटर लिजर्ड को देखकर पूरा परिवार इधर उधर भागने लगा। सूचना मिलने पर स्नेक कैचर गोविंद शर्मा वहां पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद जंगली छिपकली को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ आए। कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगलों में छोड़े गए चीते जल्द ही फ्री रेंज फॉरेस्ट में घूमेंगे, यानी मर्जी से बाहर जाकर पसंदीदा जंगल को अपना घर बनाएंगे। अभी तक जितने भी चीते पार्क की सीमा से बाहर निकले हैं उन्होंने यूपी के ललितपुर और झांसी जिलों की ओर रुख किया है, इसलिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने उत्तर प्रदेश के वन अधिकारियों और ग्वालियर चंबल की सीमा से सटे झांसी और ललितपुर के अफसरों को चीता निगरानी और प्रबंधन की ट्रेनिंग देने का निर्णय किया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने भारत बांग्लादेश सीमा के माध्यम से वन्य जीवों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। इसके बाद 129 BNBSF से संबंधित BOP हाउस में वन्य जीवों की पहचान की गई, जिसमें 66 BSF अधिकारियों ने भाग लिया। मेलघाट टाइगर रिजर्व में एक स्लॉथ बेयर एक सूखे कुएं में गिर गया। उसके बाद वन विभाग ने फलों से लदा एक पिंजरा कुएं में उतारा, जिसमें स्लॉथ बेयर चढ़ गया और स्लॉथ बेयर को वन विभाग द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के अम्बा सामुद्रम में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और तमिलनाडु वन विभाग की स्पेशल टीम द्वारा किए गए एक संयुक्त ऑपरेशन में 2 हिरणों के सींगों को जब्त किया गया व 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ वन प्रभाग की धारचूला रेंज में स्थित ओम पर्वत 6191 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों में से एक है। इस पहाड़ पर बर्फ के बीच ओम शब्द का आकार दिखाई देता है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और तमिलनाडु वन विभाग द्वारा किए गए एक संयुक्त ऑपरेशन में 2 गाय के सिर, शेल और कोरल के 12 टुकड़े जब्त किए गए। खबर महाराष्ट्र के नागपुर से। बाघ का शिकार कर खाल की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में चंद्रपुर निवासी नीलेश और विकास बाथोली का समावेश है। दोनों आरोपियों से बाघ की खाल समेत 2 पहिया वाहन भी जब्त कर लिया गया है। खबर झारखंड के छिपा दोहर वन क्षेत्र से। जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम त्रिलोकी सिंह गाय चराने के लिए गांव के जंगल में गया था। इसी दौरान एक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले के दौरान उसने हिम्मत दिखाई और काफी देर तक वह तेंदुए से जूझता रहा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के अन्य चरवाहे वहां जमा हो गए। लोगों की भीड़ देखकर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया और उसकी जान बच गई। आज 22 जून विश्व वर्षावन दिवस। हर साल 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है। ये दिन वर्षावनों के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। विश्व वर्षावन दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में वर्षावनों की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाता है।